बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टेशन नंबर 4, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है ये कौन सी एक्टिविटी में से है। बच्चा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 5, 4, 5, 6। जो सारे पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, वो जब आएगा तब हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी एक्टिविटी में कौन सा आएगा। तो बच्चा सबसे पहले शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो अभी आपको याद होना चाहिए ये जो होगा वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है और ये कैश इनफ्लो होगा। सेम वे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो आप बोलोगे सर ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है और इससे पैसे जाएंगे, आउटफ्लो होगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आप बोलोगे सर ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है और लोन ले रहे हो तो कैश इनफ्लो होगा। इसके बाद कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, क्विक सेलेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी विल बी कंसिडर एज अ कौन सी बच्चा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में नहीं आएगा, ध्यान में रखना नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है जिसके अंदर आखिर में कैलकुलेशन होता है कि कैश आउटफ्लो इनफ्लो कितना होता है। तीन पॉइंट याद रखना, कैश, बैंक बैलेंस और आप बोलोगे क्विक सेलेबल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, वो कंसिडर होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अभी बच्चा सब कुछ चलेगा और उसके बाद शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट ये एमसीक्यू में बच्चा बहुत आता है, जो इसलिए मैं करवा रहा हूं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्विक सेलेबल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट विल बी कंसिडर एज अ नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, विल बी कंसिडर एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान रहेगा बच्चा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहेगा। इसके बाद बच्चा अभी सिंपल है कमीशन रिसीव, तो आप बोलोगे सर ये पीएनएल में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, रिसीव है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब आप बोलोगे कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो क्योंकि रिसीव है इसलिए कैश इनफ्लो। इसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो आप बोलोगे रिसीव हो रहा है तो कैश इनफ्लो है और रिसीव करो या पेमेंट करो क्रेडिटर को या आप बोलोगे सप्लायर को, तो आप वर्ड बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बच्चा मैं थोड़ा आगे पीछे का ज्यादा बोलूंगा लेकिन थोड़ा फास्ट बोलूंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपने ये तीन वीडियो देखी है तो ये आप लिंक आराम से कर पाओगे। तो मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद है बच्चा आप बोलोगे सर कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव बच्चा जो है वो ध्यान में रखना है, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी और रिसीव हो रही है तो आप बोलोगे सर ये कैश इनफ्लो है। इसके बाद आप बोलोगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सेल ऑफ मशीन, नॉन करंट एसेट को सेल कर रहे हो, नॉन करंट एसेट को आप बोलोगे सर सेल करोगे, नॉन करंट एसेट को सेल करोगे, इसका मतलब ये हुआ बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सेल करते हो तो कैश इनफ्लो। इसके बाद आप बोलोगे सर इसके बाद जो पॉइंट है परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर तो आप बोलोगे सर परचेज करते हो तो कैश इनफ्लो है। क्या है बच्चा कैश इनफ्लो है और परचेज करते हो तो वो ध्यान में रखना है, वो आपको पॉइंट में परचेज ऑफ फर्नीचर बच्चा ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और ये कैश क्या है परचेज है तो आप बोलोगे आउटफ्लो होगा। सेम वे आप बोलोगे सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और ये एक्सपेंस है इसलिए आउटफ्लो होगा, तो बच्चा वो हाँ परफेक्ट है। कमीशन पेड, तो आप बोलोगे सर कमीशन पेड है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और ये कैश आउटफ्लो होगा। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड बोलोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा और कैश आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट है तो परचेज करोगे, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट है तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा और परचेज करोगे तो कैश आउटफ्लो होगा। उसके बाद बच्चा दिया हुआ है सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा और एक्सपेंस है इसलिए कैश आउटफ्लो। फैक्ट्री एक्सपेंस, तो आप बोलोगे सर फैक्ट्री एक्सपेंस है तो पैसे जाएंगे, कैश आउटफ्लो होगा और आप बोलोगे सर ये कौन सी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेड फॉर ट्रेडमार्क, तो आप बोलोगे सर ट्रेडमार्क कॉपीराइट ये इनटेंजिबल असेट होता है तो ये इन्वेस्टमेंट होता है नॉन करंट असेट के अंदर, तो आप बोलोगे सर इनटेंजिबल में ये नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट है तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा और आप बोलोगे सर पेड कर रहे हो तो पैसे जा रहे तो क्रेडिट साइड पे आएगा। इसके बाद पेड फॉर गुडविल, सेम लॉजिक अप्लाई होगा तो आप बोलोगे सर ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश आउटफ्लो होगा। इसके बाद डिविडेंड पेमेंट करते हो, डिविडेंड पेमेंट तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, डिविडेंड एक्टिविटी जो डिविडेंड पे करते हो तो फाइनेंशियल एक्टिविटी आउटफ्लो होगा। डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है।
ध्यान में रखना है वो बच्चा। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव नीचे ही दिया हुआ है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश इनफ्लो होगा। इनकम टैक्स रिफंड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इनफ्लो होता है वो ध्यान में रखना है। इनफ्लो मतलब इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि रिफंड कहां से आया, कौन सी एक्टिविटी रिलेटेड, तो उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद परचेस ऑफ रॉ मटेरियल देख के ऑपरेटिंग एक्टिविटी और आप बोलोगे परचेस करोगे तो आउटफ्लो बोला जाएगा। रेंट रिसीव तो आप बोलोगे सर ये रेंट रिसीव होता है तो इन्वेस्टिंग, आप बोलोगे रेंट रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कैश इनफ्लो बोला जाएगा। लेकिन बच्चा ध्यान में रखना कि रेंट पेड होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, वो ध्यान में रखना है। रेंट पेड जो नीचे दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश आउटफ्लो। इसके साथ बच्चा ये सम खत्म। लेकिन मैंने बहुत ही फास्ट बोला है, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा, समझ में तब आएगा जब आप प्रॉपर लिखोगे। ये चार वीडियो से आपको क्लैरिटी बहुत आएगी, लेकिन लिखोगे तब जाके आपके माइंड में ये एमसीक्यू और वीएसक्यू के लिए इजी रहेगा। अभी रियल सम शुरू होंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।